ये है जी चैप्टर कॉर्न बिल का, बुक है आपकी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये चैप्टर का नाम है। स्टोरी भी बहुत शानदार है ये। द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स विलियम, ये है जी सोहाइन के द्वारा लिखा हुआ ये। This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये स्टोरी है बेटा, दो लड़के हैं जी अर्मानिया के, अर्मानिया कंट्री है यूरोप के अंदर, जो एक ऐसे कबीले को बिलोंग करते हैं जो अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपने ट्रस्ट के लिए फेमस है। इस स्टोरी इसको हम रीड करते हैं। अंबरजीत इसको पहले को रीड करना बेटा पहले। ले बेटा आप छोड़ दो, चलो मैं ही बोलता हूँ। मनप्रीत सिंह आपके घर में कोई आवाज आ रही है बेटा? कर देंगे, प्लीज इसको बंद करवाओ आप। डोंट डू दिस। जितेश बेटा रीड करना चैप्टर को। One day back there is a good old days when I was 9 and the world was full of a very imaginably kind of magnificent and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Morand, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. He said, I jumped out of bed and looked out the window. I could not believe what I saw. I was not morning yet, but it was summer and with the daybreak. Not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. My cousin Morad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it is a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. Okay. एक दिन की बात है, वो कहता है कि ये अच्छे दिन थे, पुराने समय की बात है, जब मैं 9 साल का था और जो वर्ल्ड था पूरा इमेजिनेबल कल्पना से भरा हुआ था, काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, जो लाइफ थी वो पूरी डिलाइटफुल थी एंड मिस्टीरियस सपने थे, ड्रीम्स थे। मेरा कजन था मुराद, हु वाज कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। मैम थोड़ा सा प्लीज। वो क्या है जी, जो उसका कजन है मुराद, बोलता है मेरे अलावा सभी लोग जान, उनका ये मानना था कि ये लड़का क्या था, ये बहुत ज्यादा उपद्रवी है, यानी कि क्रेजी है, पागल है, लेकिन मेरे अलावा सभी लोग ये ऐसा मानते कि वो ऐसा नहीं था। वो मेरे पास आया, केम टू माय हाउस, मेरे घर पर आया एट 4 सुबह 4 बजे इन द मॉर्निंग, इट वोक मी अप, उसने मुझे उठाया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माय रूम, उसने मेरी जो खिड़की थी विंडो रूम की उसको उसने टैप किया। एरम ही सेड आई जंप आउट द बेड, मैं बेड से उठा, खिड़की के बाहर देखा, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैं विश्वास नहीं कर सका कि मैंने क्या देखा था। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी इतनी सुबह भी नहीं हुई थी, यानी 4 बजे थे सुबह के, बट इट वॉज समर, लेकिन ये गर्मियों के दिन थे।
And with day break, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. लेकिन सुबह की जो गर्मियों में होता है ना, चाहे सुबह 4 बजे हो, सूर्य नहा निकला हो, फिर भी रोशनी होती है इतनी, इतनी रोशनी तो थी वो देख सकता था कि वो उसने कोई गलत चीज नहीं देखी, वो सपना नहीं देख रहा था। उसने बोला जो मेरा कजन है मुराद, वो एक सुंदर व्हाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। I stuck my head out of the window, मैंने खिड़की के बाहर अपना सर निकाला और मैंने अपनी आंखों को रब किया। Yes, he said in Armenian, उसने अर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, It's a horse, ये एक हॉर्स है। You are not dreaming, सपना नहीं ले रहे तुम। Make it quick if you want to ride, जल्दी करो अगर तुम्हें राइड लेनी है तो। बेटा युवराज सिंह, इसको पढ़ो आप। युवराज सिंह, I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories of the horse and my first longing had been longing to the ride. This was the wonderful part. In the second place, we were. पढ़ तो बेटा, मुझे तो सारा रीड करना है, आप रीड करो। This was the part that would permit me to believe what I saw. We were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Gralin's family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand. We ever got money enough to keep us with the food in our lives. Not even the old man of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty, we have been famous for our honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we like to, we were proud, was honest, that we believed in the right and wrong. None of us would take advantage of anybody's in the world, let alone steal. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it excited, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me, or wish any of the other members of our family asleep or awake, because I knew my cousin about the horse. If he would have brought it, he must have stolen it, and I refuse to believe. चलो कोई बात नहीं, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। हाँ जी, I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. बोलता मैं अपने कजन को मुराद को जानता था जो पूरा एंजॉय करता था अपनी लाइफ को, इस चाहे उसने बोला कि ये शायद ना बाय मिस्टेक इस संसार में आ गया हो, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा जिसके ऊपर मैं मुझे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस माय अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोराइज ऑफ हॉर्स एंड माय फर्स्ट लॉन्जिंग्स हैड बीन लॉन्जिंग टू राइड। उसे बोलना जो मेरी मेमोरीज है ना, उनकी यादों में भी पहली बार मैंने अपनी लाइफ में ये घोड़े की सवारी करने वाला था। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये एक अच्छा पार्ट था। इन द सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस क्या था जी, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वी वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और यही एक ऐसा पार्ट था जिसके ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वी आर पुअर सो वी कैंट बाय द हॉर्स, गरीब थे सो वी कुड नॉट बाय द हॉर्स, हम हॉर्स नहीं खरीद सकते थे। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, गरीब थे, पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा जो पूरा ट्राइब था ना, कबीला, पूरा गरीबी में ग्रस्त था, यानी कि बहुत ज्यादा गरीब थे, गरीबी छाई हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गर्गोलियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। जो इस गर्गोलियन फैमिली में जितने भी मेंबर थे, जो भी इसकी ब्रांचेस थे, जो लोग इसमें रहते थे, इसको मानते थे, इसमें पैदा हुए थे, वो एक अजीब से अमेजिंग उसमें गरीबी में रह रहे थे। पूरे वर्ल्ड में इतने ज्यादा अमेजिंग लोग नहीं मिलेंगे आपको।
Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई भी नहीं जानता था, कोई समझ भी नहीं सकता था कि हमें कहाँ से पैसा मिलता है अपने जो खाली पेट उसको भरने के लिए. नॉट इवन द ओल्ड मैन और द फैला परिवार के बूढ़े लोगों को भी नहीं पता. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी. हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे. वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज. हम अपनी ईमानदारी के लिए पिछले 11 सदियों से पूरे कंट्री में फेमस थे या फिर वर्ल्ड में फेमस थे. इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थीस्ट फैमिली इन द इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड. क्या बोलता है, इवन व्हेन, अगर उस समय वी हैड बीन द वेल्थीस्ट, अमीर भी थे फैमिली इन द वर्ल्ड, बट वी लाइक टू थिंक, सोच सकते थे वाज द वर्ल्ड. We were proud first. पहले हम अपने पर गर्व करते हैं ईमानदारी पर. Honest. Next and after that we believed in right and to. फिर हम ये देखते हैं कि यह सही है कि यह गलत था. None of us would take advantage of anybody in the world. और इसका कोई भी फायदा नहीं उठा सकता था. Let alone steal. चोरी करना बहुत दूर की बात थी. Consequently, Haji, even though I could see, लेकिन अब क्या था जो मैं देखा, मैंने the horse, घोड़े को देखा, बहुत शानदार था. Even though I could smell it, मैं उसकी smell भी कर सकता था उसको. So lovely, बहुत शानदार था, प्यारा था. Even though I could hear it breathing, so exciting. उसकी मैं जो breathing थी उसको भी मैं सुन सकता था, बहुत ज़्यादा exciting थी. I could not believe, मुझे विश्वास नहीं था the horse. I had anything to do with my cousin. The horse had anything to do with my cousin. मेरे cousin के साथ. I had Murad or with me or with of any other family member family asleep or awake. वो बोलता है कि I couldn't believe, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जो घोड़ा था had anything to do with my cousin. क्यों, मेरे कंसर्न क्या कर रहा है वहां पर, जो मुराद था या फिर मैं था या फिर हमारी फैमिली में कोई भी मेंबर चाहे वो जाग रहा चाहे सो रहा था. बिकॉज आई न्यू, मैं जानता था मेरे कजन मुराद couldn't have bought the horse. कि जो मेरा कजन है मुराद वो घोड़ा कभी भी खरीद नहीं सकता. एंड इफ ही कुड हैव bought it, he must have stolen it. अगर उसने इसको घोड़े को खरीदा नहीं, it means उसने इसको जरूर चुराया होगा. And I refused to believe he had stolen it. और मैं यकीन नहीं कर सका, refuse कर दिया, क्योंकि हमारी फैमिली जानी जाती थी इसके लिए, ईमानदारी के लिए. तो मैं इसे refuse करता हूँ कि मुझे विश्वास नहीं था कि उसने इसको स्टोल किया होगा, चोरी किया होगा. No member of the Gargolin family could be a thief. जो Gargolin family में से कोई भी member thief नहीं था, चोर नहीं था. I stared first at my cousin. मैंने अपने cousin को देखा. Do you want to say something, Mr. Jitesh? मैं please थोड़ा इधर. Okay, अभी क्योंकि कोई भी फैमिली में जो हमारी गार्गोलिन फैमिली में कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता था. आई स्टेड एट माय कजन, मैंने अपने कजन को घूरा. एंड देन एट हॉर्स घोड़े को, देयर वाज ए बायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम व्हिच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी. क्योंकि जो घोड़ा था बहुत शानदार था, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था. एक तरफ से मुझे खुशी भी हो रही थी और दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था. मुराद, आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तूने इस घोड़े को कहाँ से चुराया था. लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर जंप लगाओ, ही सेड. उसने कहा, इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम राइड करना चाहते हो. इट वॉज ट्रू, ये सच था. देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, भी उसने घोड़ा चुराया था. देयर वॉज नो क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई अब गुंजाइश नहीं थी शक की. He had come to invite me, वो मुझे बुलाने के लिए आया था. तो राइड और नॉट कि राइड करूं या ना करूं, as I choose, ये मेरे ऊपर डिपेंड था. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same that things as stealing something else.
ये चीज है कि अगर हमने घोड़े को चुराया है तो हमने राइड के लिए चुराया था, हमने बेचने के लिए थोड़ी चुराया था उसको, पैसों के लिए तो हमने चुराया नहीं था। फॉर ऑल आई न्यू, मैं जानता था, मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, चोरी नहीं थी। इफ यू वर क्रेजी, अगर आप क्रेजी हो, पागल हो, किसके प्रति? घोड़ों के प्रति। एंड द वे माय कजन मुराद एंड वे एंड आई वर, और हम दोनों ही थे, मुराद ज्यादा था। इट वाजंट स्टीलिंग, चोरी नहीं थी। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse. ये चोरी तब तक नहीं मानी जाती अगर जब तक हम उस घोड़े को बेच ना दें। Which of course I knew we would never do. और हम जानते रहे हम कभी कर भी नहीं सकते चोरी। तो बेटा अगला बच्चा पढ़ेगा इसको आगे। अमन, अमन प्रीत कौर बेटा रीड करना चैप्टर को, अनम्यूट करो अपने आप को। अमन प्रीत कौर बेटा म्यूट, अनम्यूट करो अपने आप को। व्हाट शी वाज द, अंबरजीत तुम ही बेटा रीड करना अब। अंबरजीत चलो ये बोलो बच्चे, मैं आपको एक बार स्पीक करवाती हूँ, फिर आप भी डर पाएंगे। बोलो बोलो बेटा, चलो ये भी नहीं है। युवराज सिंह तुम्हें पढ़ना बेटा इसको आगे, रीड करो। Let me put on some clothes, I said, all but hurry. I leaped into the my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. That year we lived at the on the walnut avenue behind our house was the vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were in a live avenue, and then horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running, my cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, he blew the craziest street it somewhere, and my cousin Murad was the descendant our uncle horse Rov, an enormous man with the powerful head of black hairs and the largest mouse tracks in the San Joaquin Valley. Yes, in the first station that he चलो रुको आप, मैं कंप्लीट करता हूँ इसको। Let me put on some clothes, I said. मैंने कहा मुझे कपड़े पहनने दो, ठीक है? उसे कहा अब जल्दी करो। मैं विंडो से मैंने जंप किया, आई लीप इनटू माय क्लोथ्स, मैंने कपड़े जल्दी जल्दी पहने, खिड़की से बाहर निकला, मैं आंगन में आया विंडो से ही, और एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माय कजन मुराद, मैं मुराद के पीछे उसके घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लीव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, हम उस साल कहाँ रह रहे थे, किनारे पर रह रहे थे शहर के, ऑन वेलनट एवेन्यू में, बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, बाज कंट्री, एक गांव का इलाका था, वाइन यार्ड से, आपको पता है जो अंगूर के बेल्स होते हैं, बोलते हैं ऑर्चर्ड था पूरा उनका बना हुआ, इरिगेशन पिचेस वहां पर सिंचाई के लिए क्या थी, छोटी छोटी डिचेस भी थी, डिचेस ये बोलते हैं जी खाइयां, एंड कंट्री रोड्स, और कंट्री रोड था। लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट में ही हम We were on the olive avenue. हम olive avenue पर पहुंच गए थे। And then the horse began to trot. घोड़ा तेज दौड़ने लगा। The air was new. हवा नई थी, lovely थी breath के लिए। The feel of the horse running was wonderful. और जो घुड़सवारी थी, the feel of the horse was wonderful. बहुत शानदार था। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family. जो मुराद था हमारे परिवार में सबसे करेजियस मेंबर माना जाता था, एक दंड या फिर एक पागल इंसान की तरह, उसने गाना गाना शुरू किया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, मेरा मतलब था कि वो रोर कर रहा था, गर्ज रहा था। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्टेक इन इट्स वेयर समवेयर,
बोलते हैं जी किसी ना किसी परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर मिलता है. एंड माय कजन मुराद वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट्स ऑफ द फेजी स्टीक इन आवर ट्राइब. और हमारे कबीले के अंदर मुराद एक अच्छा एक उदाहरण था कि वो एक उत्तराधिकारी बनेगा. किसका जी? हमारे अंकल है जिसका नाम था कोरसो. बहुत बड़ा अंकल है, अभी पावरफुल हेड है उसका, ब्लैक हेयर है और बाउ जो उसकी लार्जेस्ट मॉस्टेज है. इन द सैन जैकलिन वैली ए मैन हु जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, फ्यूरियस है, शॉर्ट इन टेम्पर है, इरिटेबल है, इम्पेशेंट है, और वो किसी को भी अपनी बातों से जब वो बात करे जैसे गरज रहा हो किसी को भी चुप करवा सकता था. इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ. पे नो अटेंशन टू इट, कोई भी आपको अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, जिसका ये मानना था. एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्टिक, ये तो हो गया जी. दैट वाज ऑल, यही था. नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, ये कोई मैटर नहीं था कि कौन क्या किसके बारे में बात कर रहा था. वंस इट वाज हिज ओन सन एरिक रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द मार्बल शॉप वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मॉस्टेज ट्रिम्ड. ये एक समय की बात है, ये कोर्सो बंकर की बात बता रहे हैं कि उसका बेटा था एरिक जो 8 ब्लॉक दौड़कर अपने पापा के पास गया जो बार्बर की शॉप के ऊपर अपनी जो मॉस्टेज थी मुच्छन को ट्रिमिंग करवा रहा था, ये बताने के लिए कि गर्मी आग लगी थी. This man Corso sat up in the chair and roared. अपना उसका जो फादर था वो बड़े शान से कुर्सी पर बैठा और गरजा. No harm, कोई नुकसान नहीं हुआ. Pay no attention, कोई attention ना दो. The barber said, barber ने कहा, but the boy say your house is on fire. लेकिन no, उसने कहा नहीं ने barber ने कि आपके घर को तो आग लगी हुई है. So no, Corso roared, Corso चिल्लाया, enough, बहुत हुआ. It's not harm, I say, मैंने कहा ना कोई नुकसान नहीं हुआ. A man, एक आदमी could be the father of his son Flash. It was in our tribe. ये हमारे tribe में था, यही सब पूछता. लेकिन एक father अपने बच्चे का पिता तो हो सकता है, यानी कि बायोलॉजिकल फादर हो सकता है. बट दैट डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं था दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ स्पिरिट, कि उसकी आत्मा का भी पिता हो. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम बिगिनिंग कैपेरियस एंड वैगरेंट. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ना बहुत डिफरेंट टाइप का स्पिरिट का, वो हमारे ट्राइब के अंदर भी था और ये बैगिंग है और कैपेरियस एंड माइग्रेंट है. वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग, मैं क्या बोला उसने, मेरे हम दोनों मैं और मेरा कजन मुराद घोड़े की सवारी करते गए और हम जो सॉन्ग था वो गाते गए. फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू, जो भी हमें फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, सभी के लिए यहाँ थे हम उस ओल्ड कंट्री में थे. एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, बस यहीं पर रोक रहा हूँ मैं इसको. सम ऑफ आवर नेबर्स, मेरे कुछ पड़ोसी थे भी बिलोंग, जिनको हम बिलोंग करते हैं. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इफ इट फेल्ट लाइक रनिंग, जितना हो सके हमने उसने घोड़े को उतना ही तेज दौड़ाया. एट लास्ट, अंत में कजन मुराद सेड, मेरे कजन ने कहा, अंत में, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मुझे भी अकेले घुड़सवारी करनी है. Will you let me ride alone? मैंने पूछा क्या मैं भी अकेला राइड कर सकता हूँ. That is up to the horse. घोड़े के ऊपर डिपेंड है.
मेरे कजन ने कहा कि तुम नीचे उतरो पहले तो द हॉर्स विल लेट मी राइड घोड़ा मुझे राइड करने देगा मैंने कहा वी शैल सी हम देखेंगे सी साइड से लेकर डोंट फॉरगेट ये मत भूलना दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स कि मैंने घोड़े के साथ एक रास्ता बनाया हुआ है यानी कि मुझे पता है घोड़े को कैसे राइड करवाना है वेल फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही साइड उसने कहा लेट्स होप उम्मीद करते हैं गेट डाउन नीचे उतरो ठीक है आई सेड मैंने कहा बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन ये याद रखना है तुम मुझे परमिशन दोगे कि मैं भी अकेला घुड़सवारी करूं आई गॉट डाउन मैं नीचे उतरा एंड माय कजन मुराद किक द हिज हील्स इनटू द हॉर्स उसने घोड़े की को किक मारी और वो चिल्लाया अपने हील के साथ बजारे रन दौड़ो द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड्स लेग जो घोड़ा था अपनी पीछे टांग पर खड़ा हो गया वो थोड़ा सा स्नोर्ट किया उसने यानी कि जिसके बोलते स्नोर्ट को जैसे आप ये मन के चलिए गुर्राना एंड ब्रस्ट इनटू फरी स्पीड जल्दी से तेज स्पीड में दौड़ा दैट वाज द लवलीस्ट सीन थिंग्स आई हैड एवर सीन जो मैंने कभी नहीं देखा था माय कजन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन पिच मेरा जो कजन था मुराद वो स्पीड लगा रहा था घोड़े के ऊपर बैठकर यानी कि दौड़ लगा रहा था रेस लगा रहा था और जो सूखा घास था वहां पर जो डिशेस थी वहां पर गया वो उसने और उसका डिशेस को घोड़े के साथ ही एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट और पसीने के साथ भरा वो वापस आया जी ये हम बाकी बेटा कल को रीड करेंगे ठीक है जी जब ये नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को तब रीड करेंगे इसको हमने प्रीत कौर बेटा पहले तो अपने आप को अनम्यूट करो डफर है लड़की ठीक है जी थैंक यू वेरी मच कुछ पूछना है आपको तो पूछ सकते हो मुझसे हाँ जी do you want me ask me anything you can ask ठीक है जी थैंक यू